गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज के सामने आकर के दोवे हाथ जोड़ के बाबा अजीत सिंह साहब ने फतेह बुलाई है। चेहरे ते नूर दगदा है, शीश ते कलगी झूल रही है। बली दी हिक ते चढ़िया होया संजोब बख्तर, तीरां दा भरिया होया पत्था मोढ़ियां ते पहनिया होया है, मोढ़े ते कमान पहनी हुई है। अणख ते गैरत दी तस्वीर बाबा जी दा शरीर खिंच रहा है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज दे जेठे साहबजादे, जाणो कि सूरम ताई दी जींदी यादगी एक साध संगत जी तस्वीर हन। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज दे सामने आके जदों अदब नाल शीश झुका के फतेह बुलाई है, गुरदेव ने पुछया, आओ अजीत सिंह किवें आए हो? सच्चे पातशाह कृपा करके महाराज मैनू रण तत्ते विच जाण दी आग्या बख्शो। गुरदेव ने वीर आसन छड्या ते उठ के खलो के अपने कंठ ला लिया सच्चे पातशाह जी ने। महाराज कहिंदे, पुत्र अजीत सिंह तां छतरी पुणे दे धर्म नूं पालिया है। सतगुरु पातशाह जी महाराज उस समय वाह कहे सी, बेटा अजीत सिंह जदों पिता जी शहीद होए सी, संसार दे लोग कहिंदे सन गुरु गोबिंद सिंह साहिब शहीद पिता दा पुत्र है, जाओ बेटा धर्म वास्ते वीर गति नूं प्राप्त होवोगे। संसार दे लोग कहणगे गुरु गोबिंद सिंह शहीद पुत्रां दा पिता है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहिंदे, बेटा अजीत सिंह जे सच पुछे तां तैनूं इसे दिन वास्ते पालिया। अज इहो जिहा पुरशार्थ कर कि तेरी शहादत नूं वेख करके कौमां गुलामी दीआं जंजीरां तोड़ के आजाद हो जाया करनगीआं। तेरी इहो जी कमाई होवे, इहो जी कालणा काल दे कि मुरदिआं दे अंदर भी जान पै जावे तेरी शहादत नूं वेख करके। इह गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज आप दे जेठे पुत्र नूं वाक कह रहे सी, ते बाबा अजीत सिंह साहब जी ने जो वाक कहे है, ज्ञानी सोहण सिंह जी सीतल ने अपनी कविता विच उन्हां नूं अंकित कीता है। मैनू देव आ गया सतगुरु रण अंदर जावां, मैं तनखों छड्डा अगण बाण अग झली लावां, जो उठियां आण हजूर ते ओ पलना बावां, मैं पालांगा लज नाम दी ना जितया जावां। हे पिता जी, आपने मेरा नाम अजीत सिंह रखे है, मैं अपने नाम दी लाज पालांगा। जदों पंगाणी दा युद्ध हजूर ने फतेह कीता सी, उदों बाबा अजीत सिंह साहब दा जन्म होया सी। धन माता सुंदर कौर जी जिन्हां ने इहो जे सूरबीर योधे नूं आप दी कुख तों जन्म दिता। बाबा अजीत सिंह साहिब जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह महाराज तों आग्या लई है, अठ सिंह बाबा जी दी ताबिया तुरे है, जिन्हां विच पंजां प्यारियां विचों भाई हिम्मत सिंह साहब जी भी आप नाल नितरे है। बाबा अजीत सिंह साहब जी जदों कच्ची गढ़ी दा दरवाजा खुलिया, अठ सिंह जकारे छड्डदे होए जदों रण तत्ते विच कुद्दे है, कविराज ने लिखिया, जिवें वड्डा मगरमच्छ समुंदर नूं हिला दिंदा है, एवें सैना विच हलचल मची बाबा अजीत सिंह साहब दे मैदाने जंग विच नित्तरन नाल। मुगल फौज विच ऐं जा वड़े है जिवें केरी शेर भेडां दे झुंड विच जा वड़दा है। जिधर नूं बाबा अजीत सिंह साहब ने मूंह सीधा कीता है, सफे मातम विछ गई लोथां ऐ उछालियां, जिवें खिद्दो नाल खुंडी नाल बच्चे खिद्दो नूं उछालदे ऐ। जिवें सत संगत जी वगदा होया तूफान किसान दी फसल नूं उड़ा दिंदा है, बाबा अजीत सिंह साहिब अपने पत्थे चो इहो जी तीरां दा वरखा कर रहे सन कि पानी नहीं सी मंगदा जिहड़ा भी पठान जिहड़ा भी मुगल तीर दी भेट चढ़दा सीगा। जदों बाबा अजीत सिंह रण तत्ते विच उतरे ते सारा ही इह 10 लख दा फौज दे विच बड़ा रौला मचिया, सारी फौज हिल गई। ते समय ख्वाजा मरदूद पुछदा है, गुरु गोबिंद सिंह साहब आप उतर आए हैं मैदाने जंग में? वजीद खान ने दूरबीन नाल तक के कहा, जानदा सी, कहिंदा गुरु देव दा वड्डा साहिबजादा है, आप गुरु गोबिंद सिंह साहब नहीं आए अजे मैदाने जंग दे अंदर। कहिंदा बड़ा तीरां दा धनी है, बड़ा तलवारबाज है, वेख्यो ज्यौंदा मैदाने जंग विचों वापस ना जावे। ते समय सेनापतियां ने हुक्म कीता कि कोई तीर ना चलावे, कोई गोली ना चलावे, गुरु देव दे साहिबजादे नूं ज्यौंदा पकड़िया जावे। क्योंकि सोचदे सी जे बाबा अजीत सिंह साहब नूं असीं ज्यौंदा पकड़ लिया ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कोलों हथियार सटाउणे सौखे हो जाणगे। उह सोच तां सकदे सी पर कर नहीं सी सकदे। जदों गोलियां ते तीरां दी बंदी हो गई, बाबा अजीत सिंह साहब ने जदों पत्थे विचों तीर मुक गए, इहो जे श्री साहब दे हाथ विखाए,
साध संगत जी जेड़ा भी उन्हां कृपाना दी श्री साहबां दी भेटा चढ़िया उहदा गर्दन होवे सिर होवे बांह होवे लत होवे कोई घोड़ा होवे बाबा अजीत सिंह साहब जी दी श्री साहब ए फिर गई जिवें साबण दे विच दी लोहे दी तार फिरदी है। जदों इस तरह वीरता नाल युद्ध करदिआं होइआं श्री साहबां दम दे गईआं हथ विच कब्जे ही पकड़े रह गए श्री साहबां टुट के धरती ते डिग गईआं हाथ विच कब्जे फड़े जदों होए है ते उन्हां कब्जियां नूं सुट दिता वेखो उन्हां बाजूआं विच किन्ना जोर होवेगा जिथे लोहा भी दम दे गया पर बाहां नहीं हफलियां बाहां दा जोर नहीं घटिया ते उह कह रहे सी या खुदाया इह कोई फरिश्ता है जां कोई इंसान है लोहा दम दे गया पर इस दीआं बाहां विचों बल नहीं घटिया। बाबा अजीत सिंह साहब जी जिहड़ा साध संगत जी कम घोड़े दे सकंजे विच होर भी शस्त्र लाए हुंदे आ बरछा जिहड़ा सी उत्ते समें खिच लिया इन्नी वीरता नाल बरछा चलाउण लगे जिवें उड़दा साध संगत जी जिहड़ा फनियर नाग हुंदा जिवें उह डस रिहा होवे एवें बाबा अजीत सिंह साहब दा बरछा जिहड़ा सी मुगलां दे मूंह ते छातियां नूं पाड़ रिहा सी। अनवर खान पठान जिहड़ा सी जदों अगे वधिया बाबा अजीत सिंह साहब नूं इसने ललकारा मारिया जदों इह अगे आया इन्हें अपनी छाती दे उत्ते संजोह बख्तर पाई हुई सी बाबा अजीत सिंह साहब दा नेड़ा ही कर रहा सी कि बाबा जी ने इन्ने बल नालों बरछा मारिया उहदी छाती नूं पाड़दा पार लंघ गया। जदों वापस खिंचण लगे ना बरछे नूं बरछे दी कंडी संजोह बख्तर विच अड़ गई डांग हथ च आ गई बरछा उहदी छाती च ही रह गया। फिर साध संगत जी जदों उहनां वेखिया कि कोई होर चारा ही नहीं चलदा क्योंकि लाट नूं पकड़ना साध संगत जी सौखा है आकाश विच चमकती बिजली नूं पकड़ना नामुमकिन है इवें उन्हां जदों वेख्या कि गुरदेव दे साहबजादे नूं जिउंदा नहीं पकड़िया जा सकदा जिउंदा पकड़न दी जे जिहड़ा मन विच सोच के इसे गल विच रहे इन्ने चिर नूं बाबा अजीत सिंह साहब फौज नबेड़ देवेगा। बाबा अजीत सिंह साहब जी दे ते समय उन्हां ने वीरता नूं वेख के कि पकड़िया नहीं जा सकदा एकदम फौज नूं हुक्म होया कि गोलियां ते तीरां दी बरखा करके इस नूं मैदाने जंग विच सुट्टिया जावे। अणगिणती गोलियां ते तीर जदों चले है बाबा जी दा घोड़ा जिहड़ा सी साध संगत जी गोलियां नाल शहीद होके धरती ते डिग्गिया अणगिणत फट शरीर विच लगे होए है तीर ते गोलियां शरीर नूं छननी कर गए है फिर भी गात्रे विच साध संगत जी पई हुई कटार नूं खिंच लिया ते गतकेबाजी दे पैरां दे नाल उस चाल नाल अगे वधदिआं होइआं कई मुगलां दे पेट पाड़ दित्ते इउं बाबा अजीत सिंह साहब जी जदों मत्थे विच आ करके गोलियां वज्जियां ते साध संगत जी मूंह भरने डिग के जदों धरती ते शहीद होए है इतिहास ने कहा है आप दे शरीर नूं 500 सावां दे उत्ते गोलियां ते तीरां ने साध संगत जी विन्न दित्ता।